नमस्कार दोस्तों, AKV टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग इस गियर बॉक्स के बारे में जानेंगे। ये गियर बॉक्स क्या है आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। ये हमारे LG वाशिंग मशीन का जो है सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन है उसका गियर बॉक्स है, ठीक है। और ये कुछ दिनों पहले ख़राब हो गया है, और ये ख़राब होने का कारण क्या है दोस्तों वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये देखिए बहुत दिनों से चल रहा था, 10 साल मैंने इसे यूज किया। यूज करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक वाटर सील लगा हुआ था रबड़ का, ठीक है। रबर घिसने की वजह से क्या हुआ कि ये शाफ्ट के थ्रू वाटर जो है, पानी जो है वो अंदर आया। अंदर आने की वजह से यहाँ पे जितने भी लोहे के सामान हैं, जैसे इसका शाफ्ट जो है वो लोहा का है, ठीक है। तो लोहा का है तो क्या हुआ कि यहाँ पे जंक लग गया। जंक लगने की वजह से क्या हुआ कि जो इसका अंदर में जो लुब्रिकेंट के लिए ग्रीस भरा हुआ रहता है दोस्तों, वो भी पानी की वजह से पूरा निकल गया। और निकलने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इसका बूस जो है वो पूरा ढक हो चुका है, ठीक है। ढक होने की के चलते यहाँ का जो पुल्ली रहता है वो भी गड़गड़ 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 आवाज़ कर रहा था। तो इसे मैंने खोल दिया और इसे मैं नया लगाने वाला हूँ। और इसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर लगे हुए हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। ये है हमारे LG वाशिंग मशीन का गियर बॉक्स, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था उस दिन, तो मैंने इसमें पुल्ली लगाकर दिखाया था, ये जो लूज हो गया था, नट बोल्ट भी हमारा ख़राब हो गया था। लेकिन ये चला नहीं, ज़्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि ये जो है बूस इसका जो है वो पूरा डैमेज हो चुका है। देखिए यहाँ पे जब ऐसे ऐसे करते हैं तो ये पूरा ढक है, ठीक है। तो इसे अभी हम खोल कर दिखाते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ था। इसमें ज़्यादा स्क्रू नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 3 ही स्क्रू दिया हुआ है। और तीनों स्क्रू को खोल कर हम दिखा रहे हैं आपको। आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा इस गियर बॉक्स के अंदर में क्या क्या होता है, वो भी आप आज देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमारा लास्ट है। फाइनली देखिए हमारा जो स्क्रू है वो खुल चुका है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसे खोलने से ये पता चलेगा दोस्तों कि हमारा फोल्ट जो है ये हिस्सा क्यों। ऐसे तो ये बहुत दिन चल चुका है। ये देखिए दोस्तों इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए पानी की वजह से क्या हुआ, ये पूरा जंक लग गया है और इसका बूस भी डैमेज हो गया है। और इसमें भी आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक ग्रुपिंग बन गया है। और इसका पिनियन को भी देख लेते हैं। देखिए इसमें पूरा जो पिनियन भी है वो प्लास्टिक का है, और लेकिन प्लास्टिक का है लेकिन बहुत मजबूत है। अगर पानी नहीं जाता तो ये बहुत दिन चलता। और इसका भी बूस देखिए यहाँ पे लग रहा है, ये जो बूस है ये भी पानी की वजह से ये ख़राब हो चुका है। और जो हमारा इसका प्रॉब्लम था दोस्तों, ये शाफ्ट का जो हम इसमें पुल्ली लगा रहे थे, ये वाली पुल्ली, तो ये भी देखिए ये भी थोड़ा सा जाम तो है, लेकिन ये भी पानी की वजह से ख़राब हो चुका है। अभी हम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी इसका ग्रुपिंग बन गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यानी कि घिस गया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा घिसा हुआ पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे कट गया, यानी कि ये चलने वाला नहीं था दोस्तों। ये बहुत दिन चला, यानी कि हमारा जब से मैं लिया हूँ तो 10 साल हो चुका है दोस्तों, और 10 साल तक ये हमारा साथ दिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम फाइनली हम चेंज कर देंगे, क्योंकि इसका बूस्ट तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसे हम चेंज कर देंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा रहा पुराना वाला और ये हमारा नया है, ठीक है। तो दोनों देखिए दोनों सेम ही है, दोनों LG का ही है, LG मॉडल का ही है। और इसमें थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, यहाँ का जो ये वाटर सील है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। ये देखिए ये पूरा यहाँ तक कवर कर रहा रोटर को,
लेकिन ये पूरा कवर नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा जो है ये देखिए इस तरह का है, ठीक है। और ये वाला जो है ये इसका थोड़ा सा पूरा बड़ा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये पूरा जो है इस तरह का है और ये देखिए इस तरह का है। तो आप चाहे तो इसे भी इसमें लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो आप नया वाला भी यूज कर सकते हैं, ये भी कोई ख़राब नहीं है, ये भी जब जाएगा तो वायल को वाटर को सील जरूर करेगा, वाटर यहाँ से लीक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे इसे मैं किस तरह से लगाया हूँ, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों, अगर ये आपको गियर बॉक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ दोस्तों, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये जो इसका लोड है दोस्तों 6.5 kg का, जो भी LG का वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसमें ये गियर बॉक्स यूज होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।